के 4 बज रहा है और हम लोग आ गए हैं डेजर्ट में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बाइक लेके घूम रहा है, ये लोग बाइक यहाँ पे रेंट पे देते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे डेजर्ट के बिल्कुल अंदर। मेरे साथ में आज जुनेद भाई है और सोमनाथ है। सोमनाथ मेरे गाँव से ही है, मतलब मैं जिस गाँव से हूँ उसका ही थोड़ा एक दो गाँव छोड़ के सोमनाथ का घर है। तो सोमनाथ जी हाय कर दो सबको। सबके पास अभी बहुत सारे सामान है क्योंकि हम लोग रात तक रहने वाले हैं, तो कैंपिंग करने वाले हैं, इसलिए सामान बहुत ज़्यादा है। तो आगे तक जाके हम लोग फिर बात करते हैं। यार एक चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देखो कचरा कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे आते हैं ना कैंपिंग करने के लिए या तो टाइम स्पेंड करने के लिए, वो लोग सब यहाँ पे फेंक के जाते हैं, जिसकी वजह से देखो हर तरफ कचरा दिखने को मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी अगर यहाँ पे आ रहे हो ना, तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ भी फेंक के नहीं जाओ। ये देखो यहाँ पे बारबेक्यू किया है ना, पूरा लकड़ी इधर ही फेंक के चला गया। तो ये सब बहुत गंदा लग रहा है अभी यहाँ पे, तो ऐसा नहीं करो। कोई भी आ रहे हो तो प्लीज़ अपना कचरा उठा के लेके जाओ, नहीं तो ये पूरा एरिया ख़राब हो जाएगा एक टाइम पे आके। हर तरफ दिखने को मिल रहा है, ये देखिए अभी इस तरफ से बहुत सारे लोग गाड़ी लेके अंदर जा रहा है कैंपिंग वगैरह करने के लिए। और हम लोग जाएंगे ये जो सामने ड्यून्स दिख रहा है ना, इसके ऊपर जाएंगे सनसेट देखने के लिए। वहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए कैसा है हालत, देखिए झाड़ का, ये बिल्कुल कैसा लग रहा है, जैसे मतलब टूट चुका है, ऐसा जैसे स्किन टूट जाता है ना, ऐसे देखो इसका भी स्किन बिल्कुल टूट चुका है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये देखो क्या बोल रहा है, टूट गया ऊपर पूरा हरियाली है, ज्यादा नहीं है थोड़ा बहुत है। तो ये लेफ्ट साइड में जो है ये बोटानिकल गार्डन है और राइट साइड में ये पूरा ड्यून्स है। चलो ड्यून्स के ऊपर चलते हैं। ड्यून्स के नीचे आते ही बिल्कुल ठंडा हो गया अभी, मतलब धूप से जैसे ही हम लोग साइड में हुआ ना, वो इधर चेंज हो गया बिल्कुल। और देखिए पीछे कैसा लग रहा है बिल्कुल एरिया, जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, पांव बिल्कुल अंदर जा रहा है। ये देखो, अरे बाप रे डबल, सोमनाथ तो सबसे पहले चला गया, उसका बॉल उसका वेट हल्का है ना, तो फायदा हुआ उसको। चलो ऊपर चलो, मिल क्या हुआ, अरे इतने में आगे वाला चोटी पे जाके हम लोगों को बैठना है उधर ही। देखिए ड्यून से इस तरफ, ड्यून से बीच में देखिए कैसा खड्डा हो गया इधर, तालाब जैसा। तो हम लोग बिल्कुल ड्यून्स के ऊपर आ चुके हैं, ये पूरा ड्यून्स वाला एरिया है और अभी यहाँ से सनसेट देखने वाले हैं यहाँ पे बैठ के। जुनेद भाई और सोमनाथ इधर लगा रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे हम लोग चाय बनाएंगे फिर चाय पियेंगे सनसेट देखते हुए इधर से। हवा चल रहा है बहुत, इधर लगाना है कैसे, वो स्टोव इधर चलेगा ना, इतना हवा तो चल रहा है। सोमनाथ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अभी। तो चलो सब रेडी कर लेते हैं, नहीं तो सनसेट हो जाएगा तो पूरा बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों को सनसेट का मज़ा लेना है। वो आगे दूर में वो दिख रहा है ना, वहाँ पे माजरा है, मतलब खेती बाड़ी होता है थोड़ा बहुत। ये विलेज यहाँ से दिख रहा है पूरा, ज़्यादातर तो यहाँ पे खेती बाड़ी होता है और इस तरफ हो रहा है सनसेट। और यहाँ पे बन रहा है हम लोगों की चाय, जुनेद भाई और सोमनाथ बना रहा है चाय, पूरा सामान हम लोग इधर रखते हैं। एक गाड़ी लेके ये बंदा इतना शोर कर रहा है ना,
कौन सा चाय बनने वाला है? दूध वाला? दूध पत्ती ठीक से खोला नहीं तुमने, वो ऊपर होने वाला है, नहीं हुआ है, स्टोव ठीक से नहीं लगाया यार, वो नीचे का फोल्ड अभी तक ओपन नहीं किया ना। हाँ अभी सही हुआ है। सूरज ढलने लगा है, देखो ड्यून्स के पीछे कैसे सूरज ढल रहा है, और हम लोगों का चाय बन रहा है यहाँ पे, दिखाओ। हाँ अभी तक बॉयल होना शुरू नहीं हुआ, गैस ठीक ठाक चल रहा है, इससे अच्छा ही बना है सिस्टम में मस्त चाय। और सोमनाथ कैसा लग रहा है? अपने मास्क तो निकाल, थोड़ा मुंह दिखा दे। सोमनाथ ने क्या किया? अरे चाय का कप नहीं खोल पा रहा है। और ये सनसेट हो गया है, मस्त हवा चल रहा है ना। क्या हुआ रे? किंग फैसलिया किंगडम टावर सीमेंट चाय। बस 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 खाना वाना बनाएंगे और रात तक वहीं पे रहना है हम लोगों को। तो अभी सामान फिर से यहाँ से उठा के लेके जाना है बिल्कुल नीचे। चलो फिर सोमनाथ, चलो भाई। कैसा लग रहा है भाई? क्या भाई क्या अभी नीचे रहना है रात तक? अभी तो 5:30 बज रहा है, हम लोग शायद रात के 11-12 बजे तक रहेंगे।